कोई बचा जो अंधेरे गुजर जाता है। तसव्वुर शर्त है, तसव्वुर करना जिंदान में खुद को मौजूद रखना, उसके बाद तसव्वुर करना वो तारीख जिंदान और शहजादी की तन्हाई, और इनको ख्याल तो शहजादी सकीना सलामुल्ला ने कहा कोई बचा जो अंधेरे में गुजर जाता है, कोई बचा जो अंधेरे में गुजर जाता है। क्या सबको मासूम सकीना, सबको मासूम सकीना का ख्याल आता है, कोई बच्चा जो अंधेरे में गुजर जाता है। जिनके घर में बेटियां हैं ना, बेटियां वो महसूस करना, कभी अपनी बच्ची के घर में अपनी बच्ची के लिए खाली लाइट बंद करना कुछ लम्हों के लिए, जितना तुम्हारी बच्ची के लिए चीज हो। कोई बच्चा जो अंधेरे में गुजर जाता है, सबको मासूम सकीना का, सबको मासूम सकीना का ख्याल आता है, कोई बच्चा जो अंधेरे में। ये जुमले पे तसव्वुर कर लेना, इस जुमले पे खाली के कोई बच्चा जो अंधेरे में गुजर, सबको मासूम सकीना का, सबको मासूम सकीना का गुजर जाता है। शामे हुर्मत में जो करता था सकीना का जला, शामे हुर्मत में जो करता था सकीना, सबको मासूम सकीना का ख्याल आता है। अपनी बच्चियों के लिए खरीदना ना नए लिबास, वो कफन याद करना छोटी बीबी का, वो जानते हो तुमने छोटी बीबी का कफन तब्दील नहीं किया गया, ट्राई क्यों नहीं किया गया। मासूम मौला सादी आए मोहम्मद सलाम से फरमाया, पूछा गया कि मौला क्या वजह थी, किबला आप बैठे तस्दीक करेंगे, क्या वजह थी, मसाद का जुमला सुनना, क्या वजह थी कि सकीना की रस्सियां तक नहीं खोली गई और सकीना का कुर्ता तब्दील नहीं किया गया, मौला क्या वजह। मौला फरमाते कि प्यास की शिद्दत के चार दर्जे, चार दर्जा थे प्यास की शिद्दत के, एक दर्जे में यह होता कि जबान खुश हो जाना और मरते पड़ जाना, होंठ खुश हो जाना, दूसरा दर्जा यह है कि गोश्त बदन का सूख जाता, तीसरा दर्जा यह है कि हड्डियों में पानी सूख जाता, और चौथा दर्जा वाला फरमाते हैं कि चौथा दर्जा वो है
प्यास का कि अगर उस बदन को हाथ लगाया जाए तो वो काशी के टुकड़ों की तरह तब्दील हो जाए, ठीक हो जाए। और शकीरा को इसलिए हाथ नहीं लगाया जाए, जैसी थी शकीरा को वैसी कपड़ा उठाए
को हर कोई नए बेटी के बनवा।